20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो, सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए ओडिशा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज पारादीप, सोमनाथपुर, हल्दिया, ये पाइपलाइन भी देश की सेवा में समर्पित की गई है। आज पारादीप रिफाइनरी में नेचुरल गैस प्रोसेसिंग की एक यूनिट का उद्घाटन हुआ है। पारादीप रिफाइनरी में मोनो एथिलीन ग्लाइकोल के नए प्लांट का भी लोकार्पण हुआ है। भद्रक और पारादीप में बन रहे टेक्सटाइल पार्क को भी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा। साथियों, आज का ये आयोजन इस बात की भी पहचान है कि बीते वर्षों में हमारे देश में वर्क कल्चर कितनी तेजी से बदला है। पहले की सरकारों की दिलचस्पी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में नहीं होती थी, जबकि हमारी सरकार जिस परियोजना की नींव रखती है उसे तेजी से पूरा करने का प्रयास भी करती है। 2014 के बाद देश में ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं जो अटकी पड़ी थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई भी थी। पारादीप रिफाइनरी की चर्चा भी 2002 में शुरू हुई, लेकिन 2013-14 तक कुछ नहीं किया गया। यह हमारी सरकार है जिसने पारादीप रिफाइनरी का काम पूरा कराया। आज ही तेलंगाना के सांगारेड्डी में मैंने पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल के आरामबाग में हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी शुरू हुई है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।